दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक रामवीर सिंह भिथोड़ी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली के सीएम से पूछा कि वो और उनके साथी कब तक झूठ बोलकर राजनीति करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर होते हुए उन्हें इस तरह झूठ बोलना शोभा नहीं देता। बीजेपी नेता रामवीर सिंह भिथोड़ी ने CEEW के इंडियन रेजिडेंशियल एजेंसी के बिजली सर्वे के बारे में केजरीवाल के दावे को चुनौती दी है। दरअसल रामवीर सिंह भिथोड़ी ने केजरीवाल द्वारा ट्वीट किए गए दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली है, इन्हीं दोनों राज्यों में सबसे कम पावर कट है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जिस सर्वे का हवाला दिया है वो 2020 का है। रामवीर सिंह भिथोड़ी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने जनता को भ्रम में डालने के लिए जानबूझकर झूठा दावा किया। पंजाब में 2020 में तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही नहीं थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार मार्च 2022 में आई है, जबकि ये सर्वे उससे 2 साल पहले का है। बता दें, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भिथोड़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सर्वे के साथ आपराधिक छेड़छाड़ की है। उन्होंने अपने सर्वे में पंजाब को दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर होने वाला दावा किया, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। हकीकत यह है कि सर्वे में दिल्ली पहले नंबर पर जरूर है, लेकिन पंजाब का स्थान केरल, गुजरात और तमिलनाडु के बाद 5वें नंबर पर है। दिल्ली भी शहरी इलाकों में पावर कट के मामले में केरल और गुजरात के बाद आती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पावर कट न होने के कारण दिल्ली पहले नंबर पर है। जबकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस सर्वे को अपने पक्ष में दिखाने के लिए इसके साथ छेड़छाड़ की है। बीजेपी नेता भिथोड़ी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री केवल दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर झूठ बोलकर एक गलत दावा पेश किया है।